नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं फरीद अहमद। सबसे पहले हेडलाइन। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। वेटनरी कॉलेज बनाने के लिए 100 एकड़ जमीन तलाशने को लेकर मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। जल्द से जल्द जमीन तलाशने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। गुरुवार को पुलिस ऑफिस कार्यालय पुराने आरटीओ कार्यालय शिफ्ट होने के बाद शुक्रवार को कार्य हुआ प्रारंभ। एसपी सिटी ने पुलिस ऑफिस में आए फरियादियों की सुनी फरियाद। समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। छात्राओं और महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए शेरनी दस्ता और एंटी रोमियो स्क्वाड टीम को विलय करके बनाया गया है महिला सुरक्षा दल। एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने कहा, प्रत्येक महिला सुरक्षा टीम को स्कूटी, विजिटिंग कार्ड और दिए गए हैं सीओजी मोबाइल नंबर। छात्राओं और महिलाओं को जागरूक कर रही हैं टीमें, ताकि आपात स्थिति में पुलिसकर्मियों से आसानी से संपर्क कर सकती हैं छात्राएं और महिलाएं। हर घर तिरंगा फहराने के जागरूकता के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में हैंडपंपों की तिरंगा कलर से की गई है रंगाई। ब्लॉकों पर तिरंगा के साथ किया जा रहा है फोटो सेशन। निकाली जा रही है प्रभात फेरी। तिरंगा का किया जा रहा वितरण। डीपीआरओ ने कहा, 11 अगस्त से 17 अगस्त तक घरों पर जरूर फहराएं तिरंगा। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह एवं आरटीओ अनिता सिंह के संयुक्त नेतृत्व में चलाया गया सघन वाहन चेकिंग अभियान। बिना नंबर के वाहन पर चल रहे पुलिसकर्मी का एसपी ट्रैफिक ने किया ऑन स्पॉट चालान। 42 डीजल चालित काले ऑटो रिक्शा व बिना नंबर प्लेट के 70 वाहनों का भी किया गया चालान। कहा, वाहन चेकिंग के साथ लोगों को किया गया जागरूक। ग्यारह अगस्त से 17 अगस्त तक अपने अपने घरों पर जनपद के सभी नागरिक फहराएं तिरंगा। जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने की अपील। अवैध देशी तमंचा व जिंदा कारतूस के साथ एक अभियुक्त राजू निषाद को बांसगांव थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। हिरोशिमा दिवस की पूर्व संध्या पर दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में संगोष्ठी का किया गया आयोजन। परमाणु बम से हुए जापान के शहर के नुकसान पर हुई चर्चा। और हर घर तिरंगा अभियान के तहत डाक विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने निकाली तिरंगा यात्रा पर बात फेरी। कहा, डाक विभाग के कर्मचारी हर गांव के घरों पर झंडा लगाने का करेंगे कार्य। अब समाचार विस्तार से। मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने वेटनरी कॉलेज की जमीन तलाशने को लेकर संयुक्त सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने कहा कि वेटनरी कॉलेज की जमीन तलाशने के कार्य को जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। अगर जमीन तलाशने के कार्य को जल्दी पूरा कर लिया जाएगा तो शासन को प्रस्ताव भेज दिया जाएगा। स्वीकृति मिलने के बाद कॉलेज का मुख्यमंत्री के हाथों शिलान्यास करवाकर बनाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि वेटनरी कॉलेज में पशुओं के उपचार के साथ शोध कार्य के लिए पशुपालन किया जाएगा। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली की तरह कई तरह के शोध हो सकेंगे। चरागाह, डेयरी फार्म, बकरी व भेड़ फार्म एवं पोल्ट्री फार्म भी बनाए जाएंगे। डेयरी प्रोडक्ट बनाने के लिए प्रसंस्करण केंद्र भी होगा, जिसको बनाने के लिए 100 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी, जिसको राजस्व विभाग तलाश रहा है, जिसके ज़मीन को जल्द तलाशने के लिए मंडलायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया। इस अवसर पर जिलाधिकारी कृष्णा करोड़ेश, अपर SDM सदर शिवम सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। यहाँ नहीं जाएगा, दूसरी जगह जाएगा, दूसरी जगह जहाँ हम लोग पहुँचे देख रहे हैं। अगर पहले तो उनको ये कहते कि ये यही इलाका है, अगर वो ओके कर दे तब हम लोग आगे बढ़े। सर, 1 किलोमीटर लंबा हो जाएगा वो मथुरा। अब रिस्ट्रिक्ट हो गई, इतने छोटे छोटे 50 एकड़, 70 एकड़, 100 एकड़ मदन मोहन वाली है, 300 एकड़। लेकिन वो अब जब बना रहे हैं और मुख्यमंत्री जी की घोषणा के तहत बन रहा है, तो
2 अरब रुपए। जनपद का पुलिस ऑफिस कार्यालय पुराने आरटीओ कार्यालय में शिफ्ट होने के बाद शुक्रवार को जन सुनवाई का कार्य प्रारंभ हुआ। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने शुक्रवार को नए पुलिस ऑफिस कार्यालय में जन सुनवाई की तथा पुलिस ऑफिस कार्यालय में आए फरियादियों की फरियाद को सुना तथा उनकी समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि जनपद का पुलिस ऑफिस पुराने आरटीओ कार्यालय में शुरू हो गया है। जब तक कि नया ऑफिस नहीं बन जाता है, पुलिस ऑफिस में जन सुनवाई शुरू की गई है, इसलिए जनपद के नागरिक किसी भी तरह की समस्या होने पर पुराने आरटीओ कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर अपनी समस्या को बता सकते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, पहले हमारा एक एक आदमी शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि अब ये दिन अगर रहेगा तो काम भी होगा, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा चक्कर ये दिक्कत दे देते हैं। दिक्कत में बिजली काट देते हैं, मेरा एसी दीवार गुप्ता जी की आवाज में आते थे, उनका लड़का जाँच करनी उसके बाद ये जहाँ देखता है काली मारने की धमकी दे रहा है। क्या समस्या है भैया? मेरा घर मर गया, मेरे घर में सब छिपान सलाह के दिया, आप ही आए रहने के लिए, तो एक रूम ऊपर मैं ताला मारती है, मारती है, छोटी बच्ची को बहुत मार। 3 साल अपना सामान दे दिया, उसके बाद मन में कुछ बेमानी है, इंडिया में चला गया, पैसा भी मैंने मकान खाली इस वजह से वो नहीं, ये साहब निवास कोतवाली में रहते हैं सर, कोतवाली निवास निवास साहब का मामला, लेकिन मामला साफ हो गया। जनपद गोरखपुर में नया पुलिस ऑफिस जो कि एक टेम्प्रेरी सेटलमेंट के तहत जब तक के लिए नया पुलिस ऑफिस नहीं बन जाता है कचहरी में, तब तक के लिए पुराना आरटीओ ऑफिस के पास संचालित किया जा रहा है एवं यहां पे जनसुनवाई शुरू हो गई है। शहर के एवं आसपास के जितने भी एप्लीकेंट हैं जिनको पुलिस से किसी प्रकार की कोई परेशानी है, आवेदन करना है, वो नए पुलिस ऑफिस पुराने आरटीओ कार्यालय पे आके अपना आवेदन कर सकते हैं, यहाँ पे जनसुनवाई शुरू हो गई है। थैंक यू। स्कूल कॉलेज गोइंग छात्राओं और महिलाओं के साथ सड़क पर छेड़छाड़ की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जनपद में शेरनी दस्ता और एंटी रोमियो स्क्वाड टीम बनाई गई थी। अब इन दोनों टीमों को मर्ज करके महिला सुरक्षा दल बनाया गया है, जिसके संबंध में एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने बताया कि महिला सुरक्षा दल रोज अपने अपने थाने के अंतर्गत भीड़ भाड़ वाली जगह, पार्क, मॉल, बाजार और स्कूल के आसपास जाकर गर्ल्स और महिलाओं को अवेयर कर रही हैं तथा सादे वस्त्र में मौजूद रहती हैं, ताकि कहीं पर महिलाओं और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की स्थिति ना बन पाए। और लड़कियों को इस साइबर क्राइम और हेल्पलाइन के बारे में भी बताया जा रहा है तथा साथ ही साथ विभिन्न स्कूलों में जाकर लड़कियों को महिला सुरक्षा संबंधी जानकारी भी दी जाती है। उन्होंने कहा कि साइबर थाना की 3 टीमें हैं जो बच्चों को साइबर क्राइम के संबंध में भी जागरूक करती हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक महिला सुरक्षा टीम को एक स्कूटी, विजिटिंग कार्ड और CUG मोबाइल नंबर दिए गए हैं, जिससे गर्ल्स आपात स्थिति में पुलिसकर्मी से आसानी से बात कर सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए SP क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने कहा,
महिला सुरक्षा दल जो पहले एंटी रोमियो स्क्वाड चलता था शहर में, उसी को रिनेम करके महिला सुरक्षा दल का नाम दिया गया है। इसका कार्य है जो महिलाएं मॉर्निंग वॉक करती हैं या बच्चे स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, उनके स्कूल जाने कॉलेज छूटने के टाइम पे वो वहाँ पे आसपास मौजूद रहते हैं। जो भीड़ भाड़ वाले एरियाज हैं, मार्केट्स हैं, मॉल्स हैं, उनके आसपास मौजूद रहते हैं सादे वस्त्रों में। और ये इनका काम होता है कि देखते हैं कि कहीं किसी महिला के साथ में कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया जा रहा, कोई छेड़खानी जैसी कोई घटना घटित नहीं हो रही हो। इसके संबंध में इनके द्वारा एक रजिस्टर भी मेंटेन किया जाता है, जिसको अवलोकन समय समय पर उच्च अधिकारी द्वारा किया जाता है। और इनके साथ ही साथ इनके द्वारा जो है विभिन्न स्कूलों में जाकर के जो बच्चियां हैं उनको महिला सुरक्षा संबंधी जानकारी दी जाती है, और जो टोल फ्री नंबर है पुलिस के उसके विषय में भी जानकारी दी जाती है। साथ ही साथ में हमारी जो साइबर थाना की 3 टीमें हैं जो बच्चों को साइबर क्राइम के संबंध में भी जागरूक करती हैं, क्योंकि जैसे जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ बढ़ा है वैसे वैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्राइम की घटनाएं भी बढ़ती रही हैं, चाहे वो महिलाओं के संबंध में ही क्यों ना हो, तो उस संबंध में भी उनको बृहद जानकारी दी जाती है। प्रत्येक महिला सुरक्षा टीम को एक मतलब गाड़ी दी गई है 2-व्हीलर, और उनको विजिटिंग कार्ड और CUG मोबाइल नंबर दिए गए हैं, जिससे उन्हें जो इंटरेक्ट करती हैं बच्चों के साथ उनको देना होता है। और अगर कोई बच्ची पीड़ित है तो वो उनसे इस नंबर पर संपर्क कर सकती है, और जो हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं उन पर भी कॉन्टैक्ट कर सकती है, उसकी समस्या का समाधान किया जाएगा। हर घर तिरंगा पर DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर ने कहा कि गोरखपुर में 8,32,000 घरों में तिरंगा को फहराया जाएगा, जिसमें 3,90,000 तिरंगा MSME के माध्यम से मिल रहा है और 4,42,000 तिरंगा गोरखपुर में प्रोडक्शन हो रहा है, जो कि स्वयं सहायता समूह, NGO और निजी सिलाई केंद्रों के द्वारा हो रहा है। 2,00,000 झंडा शाम तक मिल जाएगा, जिसको वितरण करने का प्रारंभ हो गया है। उन्होंने कहा 2,00,000 झंडों को विद्यालय, स्कूल, ब्लॉक पर वितरित कर दिया गया है, जिससे हर घर तक प्रधान के माध्यम से झंडा पहुंच सके। लोगों में जागरूकता के लिए गांव के हैंडपंप को तिरंगा के कलर से रंगवाया गया है। इसके अलावा अमृत सरोवर के पास जितने भी पेड़ हैं उसको भी तिरंगा कलर से रंगाया जाएगा। लोगों में जागरूकता के लिए जगह जगह पर तिरंगा के साथ फोटो प्रभात फेरी को निकाला जा रहा है, जिससे लोग 11 से 17 अगस्त तक अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर ने कहा, गोरखपुर में कुल 8,32,000 घरों में तिरंगा को फहराया जाना है, साथ ही जितने पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं उन सबों में भी तिरंगा फहराया जाएगा, जिसमें से 3,90,000 जो तिरंगा है हमें MSME के द्वारा मिल रहा है, बाकी 4,42,000 जो तिरंगा है वो गोरखपुर में ही इसका प्रोडक्शन हो रहा है स्वयं सहायता समूह के द्वारा, NGOs के द्वारा और निजी सिलाई केंद्रों के द्वारा। तो अभी तक MSME से हमें कोई भी झंडा प्राप्त नहीं हुआ है, आज शाम तक 2,00,000 झंडा प्राप्त होने की उम्मीद है जैसा बताया गया है, और हम लोगों ने जो है 4,42,000 में से लगभग अभी 3,20,000 झंडों का उत्पादन जो है हमारे जनपद स्तर पर हो चुका है, जिसे कि डिस्ट्रीब्यूट करने का काम प्रारंभ कर दिया गया है। अभी तक लगभग 2,00,000 झंडे हम लोगों ने डिफरेंट जगहों पर जो चाहे ब्लॉक हो या ग्राम पंचायत हो या फिर विद्यालय हो वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करा दिए हैं, बाकी जो झंडे को धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट कराया जा रहा है वहाँ पर, और जैसे MSME का झंडा आता है उसे भी हम वितरण उसका भी हर स्थान पर जगह पर उसका वितरण कर देंगे। और जो झंडे हैं इसको आचार संहिता के तहत फहराया जाए, इसको भी हम लोगों ने ये करने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, तथा हर कोई झंडा फहराए इसके लिए जो हैंडपम्प है उसको भी हम लोग ये रंगाई करा रहे हैं, और साथ में जो जितने पेड़ हैं अमृत सरोवर के आसपास उसको भी हम लोगों ने प्लान बनाया है, उसकी भी रंगाई पुताई तिरंगे से उसको भी रंगा जाएगा, ताकि लोग जो है फ्रीत हो तथा झंडा लेकर के हम लोग खड़े होकर के भी उसके जो फोटो सेशन करा करके लोगों को द्वारा रैली निकाल करके प्रभात फेरी निकाल करके झंडा के साथ लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो 11-17 अगस्त तक अवश्य झंडे को फहराए। SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह एवं RTO अनिता सिंह के संयुक्त नेतृत्व में महानगर के तरंग क्रॉसिंग तथा यातायात तिराहे पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें 42 डीजल चालित काले ऑटो रिक्शा जो बिना परमिट एवं फिटनेस के चल रहे थे उनके विरुद्ध
एमवी एक्ट के नियमानुसार कार्रवाई की गई तथा बिना नंबर प्लेट के 70 वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि एसपी ट्रैफिक ने बिना नंबर के वाहन पर चल रहे पुलिसकर्मी का भी चालान किया। इसके संबंध में एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि परिवहन विभाग एवं ट्रैफिक पुलिस द्वारा टीम गठित कर महानगर में संयुक्त रूप से डीजल चालित ऑटो रिक्शा बिना सिक्योरिटी नंबर प्लेट के संबंध में चेकिंग अभियान चलाया गया। उन्होंने कहा कि चेकिंग के साथ लोगों को जागरूक भी किया गया। जो लोग अभी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाए हैं वो जल्द से जल्द लगवा लें। चेकिंग के दौरान बहुत से लोग बिना हेलमेट के पाए गए तथा हेलमेट पास रहने के बावजूद भी हेलमेट नहीं लगाए। उन्हें बताया गया कि हेलमेट अवश्य लगाएं, इससे दुर्घटना होने पर जान बच सकती है। उन्होंने बताया कि आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है। लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना पैदा करने और जागरूकता के उद्देश्य से गाड़ियों पर आज़ादी के अमृत महोत्सव से संबंधित स्टिकर लगाया गया है। वाहन चेकिंग के दौरान एआरटीओ बीके सिंह, एआरटीओ संजय झा, यातायात निरीक्षक मनोज कुमार राय, यातायात निरीक्षक अजीत कुमार पांडे सहित ट्रैफिक पुलिस मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा,
ये 10,000 रुपये का इस पर आपका ये इसी बात का चेकिंग चल रहा है। ये साइलेंसर चेक करिए, जरा चेक करिए। आज परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न स्थानों पर टीमें गठित कर संयुक्त रूप से डीजल चालित ऑटो रिक्शा तथा फॉल्टी नंबर प्लेट के संबंध में चेकिंग की कार्रवाई की गई। चेकिंग के दौरान कार्रवाई के साथ साथ लोगों को जागरूक भी किया गया कि जो HSRP नहीं लगाए हैं वो लोग हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगा लें। तमाम लोग हमने ऐसे देखे जो कि हेलमेट सर पे रखे थे परंतु उसको बांधे हुए नहीं थे, इससे हेलमेट का कोई औचित्य लगाने का नहीं बनता है। उनको समझाया गया कि हेलमेट को अवश्य लगाएं। और आपका जो टू व्हीलर है वो आपको कहीं आने जाने के लिए है, वो कोई मालवाहक वाहन नहीं है कि उसमें आप इतना सारा सामान ले जा रहे हैं जो 3 मीटर आगे निकला हुआ है और 2 मीटर पीछे छड़ निकली हुई है बाइक पे, तो इन चीज़ों से भी दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। तो प्रवर्तन की कार्रवाई के साथ साथ लोगों को जागरूकता अभियान चलाया गया और एक संदेश दिया गया कि सब लोग IMB एक्ट के अंतर्गत नियमों का पालन करते हुए ही वाहन को चलाएं और सुरक्षित रहें। सर स्टिकर भी लगाए गए गाड़ियों पर, स्टिकर परिवहन विभाग के सौजन्य से आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हम लोग इस समय मना रहे हैं उसमें लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना पैदा करने के लिए और जागरूकता के संबंध में विभिन्न गाड़ियों पर आज़ादी के अमृत महोत्सव से संबंधित स्टिकर लगाया गया। इसके साथ ही लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक में जाने से पहले एक नज़र हेडलाइन पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। वेटनरी कॉलेज बनाने के लिए 100 एकड़ जमीन तलाशने को लेकर मंडलायुक्त रवि कुमार NG ने अधिकारियों के साथ की बैठक। जल्द से जल्द जमीन तलाशने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। गुरुवार को पुलिस ऑफिस कार्यालय पुराने RTO कार्यालय शिफ्ट होने के बाद शुक्रवार को कार्य हुआ प्रारंभ। SP City ने पुलिस ऑफिस में आए फरियादियों की सुनी फरियाद, समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। छात्राओं और महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए शेरनी दस्ता और एंटी रोमियो स्क्वाड टीम को विलय करके बनाया गया है महिला सुरक्षा दल। SP क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने कहा, प्रत्येक महिला सुरक्षा टीम को स्कूटी, विजिटिंग कार्ड और दिए गए हैं COG मोबाइल नंबर। छात्राओं और महिलाओं को जागरूक कर रही हैं टीमें ताकि आपात स्थिति में पुलिसकर्मियों से आसानी से संपर्क कर सकती हैं छात्राएं और महिलाएं। हर घर तिरंगा फहराने के जागरूकता के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में हैंडपंपों की तिरंगा कलर से की गई है रंगाई। ब्लॉकों पर तिरंगा के साथ किया जा रहा है फोटो सेशन। निकाली जा रही है प्रभात फेरी, तिरंगा का किया जा रहा वितरण। DPRO ने कहा, 11 अगस्त से 17 अगस्त तक घरों पर जरूर फहराएं तिरंगा। SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह एवं RTO अनिता सिंह के संयुक्त नेतृत्व में चलाया गया सघन वाहन चेकिंग अभियान। बिना नंबर के वाहन पर चल रहे पुलिसकर्मी का SP ट्रैफिक ने किया ऑन स्पॉट चालान। 42 डीजल चालित काले ऑटो रिक्शा व बिना नंबर प्लेट के 70 वाहनों का भी किया गया चालान। कहा, वाहन चेकिंग के साथ लोगों को किया गया जागरूक। ग्यारह अगस्त से 17 अगस्त तक अपने अपने घरों पर जनपद के सभी नागरिक फहराएं तिरंगा। GDA उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने की अपील। अवैध देशी तमंचा व जिंदा कारतूस के साथ एक अभियुक्त राजू निषाद को बांसगांव थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। हिरोशिमा दिवस की पूर्व संध्या पर दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में संगोष्ठी का किया गया आयोजन। परमाणु बम से हुए जापान के शहर के नुकसान पर हुई चर्चा। और हर घर तिरंगा अभियान के तहत डाक विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने निकाली तिरंगा यात्रा पर बात फेरी। कहा, डाक विभाग के कर्मचारी हर गांव के घरों पर झंडा लगाने का करेंगे कार्य। पेगस निशान, गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप।
जी हाँ, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई। रॉयल लोगों की रॉयल पसंद, रेड रॉयल चाय। मटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाएं। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ISL इंस्टीट्यूट फॉर सिंप्लीफाइड लर्निंग दिल्ली के वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर्स द्वारा संचालित ISL इंस्टीट्यूट फॉर सिंप्लीफाइड लर्निंग, खजांची चौक नियर स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर। स्पेशल कंसेशन इन फी फॉर EWS एंड BPL कैटेगरी स्टूडेंट्स। अधिक जानकारी के लिए हमारे इन दो मोबाइल नंबरों पर संपर्क कीजिए 8833-59646। दूसरा मोबाइल नंबर है 7905-844-992। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। GDA उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने हर घर तिरंगा फहराने के लिए नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम जिले में बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। जिला प्रशासन, नगर निगम, जिला पंचायत सहित सभी विभाग अपना अपना कार्य कर रहे हैं, जिसमें सभी नागरिक भाग ले रहे हैं। इसलिए सभी नागरिक 11 अगस्त से 17 अगस्त तक अपने घरों पर तिरंगा जरूर लगाएं। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किया गया है। सभी लोग अपना योगदान दें। जिला प्रशासन के अलग अलग विभागों के द्वारा कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। GDA के द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर एक भव्य कार्यक्रम कराया जा रहा है। सभी लोग कार्यक्रम में शामिल हों और कार्यक्रम में हिस्सा लें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए GDA उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने कहा, देखिए हर घर तिरंगा कार्यक्रम गोरखपुर में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जिला प्रशासन, नगर निगम, गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, सभी जितने भी सरकारी विभाग हैं, सभी लोग अपना अपना कार्यक्रम कर रहे हैं और पब्लिक भी उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। मेरा आप सभी के माध्यम से सभी गोरखपुर वासियों से निवेदन रहेगा कि आप सभी लोग अपने घर पर झंडा लगाएं और इस जो कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो ये शुरू किया गया है, इसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करें। गवर्नमेंट के अलग अलग विभागों द्वारा अलग अलग जगह कार्यक्रम कराए जा रहे हैं, उसमें भी आप सभी लोग भाग लें।
गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा रामगढ़ ताल पे 15 अगस्त को एक भव्य कार्यक्रम शाम को 6 बजे कराया जा रहा है, उसमें भी आप सभी लोगों से निवेदन है कि वहाँ पे आएं और उसका हिस्सा बने। तो मेरे तरफ से और पूरे जिला प्रशासन की तरफ से आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है कि हम सब लोग मिलकर ये इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। बांसगांव थाने की पुलिस ने एक अभियुक्त को अवैध देशी तमंचा के साथ गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में बांसगांव थाना प्रभारी सत्यप्रकाश सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को निर्माणाधीन 6 लेन पुलिया हरनही चौराहे से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान राजू निषाद पुत्र राम अचल निवासी ग्राम हरनही थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से एक देशी तमंचा एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। बांसगांव थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में बांसगांव थाना प्रभारी सत्यप्रकाश सिंह, हरनही चौकी प्रभारी अखिलेश कुमार तिवारी, कांस्टेबल जितेंद्र कुमार, दीपक यादव, चंदन खरवार, संजय यादव, शुभम तिवारी शामिल रहे। वो लोग आए एक्सीडेंट वाले आए थे, राजी सिंह आए थे जो कल मिले नहीं थे तहसीलों में। दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हिरोशिमा दिवस की पूर्व संध्या पर गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर ओपी सिंह ने बताया कि हिरोशिमा दिवस की पूर्व संध्या पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। उस समय जिस तरह से परमाणु बम से अमेरिका ने हमला किया था जापान का शहर हिरोशिमा और नागासाकी, जो प्रतिष्ठान और औद्योगिक क्षेत्र से महत्वपूर्ण था, जो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था, दुनिया इस तरह की घटना को न देखे, इसलिए हर साल 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस के रूप में याद किया जाता है और इस दिन को मना करके युद्ध विरोधी परमाणु हथियारों का विरोध करके शांति का संदेश पूरी दुनिया को देने के लिए दिवस को मनाया जाता है, जिससे सभी लोग अवगत हो सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर ओपी सिंह ने कहा, सबसे पहले और जिसकी पूर्णति हुई उसे कब्जा करना चाह रहा था तेल के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, जो अमेरिका को नागवार नजर आ, और कोई 40 में जैसा आप देख रहे हैं स्लाइड में देखिए क्यों गिराया, 41 में जापान द्वारा अमेरिका के पर्ल हार्बर अटैक करने किया और उसी का बदला लेने के लिए इस न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग हुआ। अमेरिका के बारे में आप भी जानते हैं कि रिसेंटली देखा लोगों ने अफगानिस्तान के पर्ल हार्बर की बदला लेने के लिए 6 अगस्त को उसने हिरोशिमा पे बम गिराया। टिबेट नामक प्लेन पे लिटिल बॉय नाम था उसका। हिरोशिमा पे गिराने का कारण क्या था, क्या रीजन था कि हिरोशिमा पे और नागासाकी पे बम गिराया गया? तो है एक औद्योगिक गतिविधि थी और सैनिक प्रतिष्ठान सैनिक इक्विपमेंट्स बनते थे वहाँ, इसलिए उसने गिराया। फिर भी जापान ने सरेंडर नहीं किया, तब उसने 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी नाम का स्थान पर ही बम गिराया। ताकत होती तो विखंडन के लिए दोनों हथियार ये गिराए गए। दूसरा वाला बम जो है हेडमैन है, हालांकि बाद में इसमें ये गोष्ठी हिरोशिमा दिवस के अवसर पे है और जिस तरह से हिरोशिमा पर परमाणु बम से अमेरिका ने हमला किया था और जापान का ये शहर जो औद्योगिक दृष्टि से और रक्षा प्रतिष्ठान की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, ये पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था, तो दुनिया इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न देखे, प्रतिवर्ष हिरोशिमा दिवस के रूप में इसे याद किया जाता है और ये मना करके पूरी दुनिया और मानवता को जो है शांति का, युद्ध विरोधी परमाणु अस्त्रों के प्रयोग के विरोधी और शांति का संदेश पूरी दुनिया को देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पे महाविद्यालय में एक विचार गोष्ठी आयोजित है कि विषय विशेषज्ञों के विचारों से हमारे विद्यार्थी भी लाभान्वित हों और आज प्रोफेसर श्याम सिंह जी पवित्रा डिग्री कॉलेज के प्राचार्य और रक्षा अध्ययन विषय के विशेषज्ञ भी हैं, वो मुख्य वक्ता के रूप में आए हुए हैं।
आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में गोरघर स्थित प्रधान डाक विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने हर घर तिरंगा को लेकर तिरंगा यात्रा प्रभात फेरी निकाली, जिसके संबंध में डाकघर के सहायक अधीक्षक अशोक सोनी ने बताया कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत डाकघर द्वारा प्रभात फेरी का कार्यक्रम किया गया। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा के अंतर्गत पोस्ट ऑफिस में झंडे की बिक्री की जा रही है। जनपद के सभी पोस्ट ऑफिस पर झंडा भिजवा दिया गया है। वहां के कर्मचारी हर गांव के घरों पर झंडा लगाने का कार्य करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डाकघर के सहायक अधीक्षक अशोक सोनी ने कहा, अशोक कुमार नाम सहायक डॉक अधीक्षक बस्ती गोरखपुर। ये हर घर तिरंगा अभियान के तहत जो है आज प्रभात फेरी का कार्यक्रम जो है पोस्टल डिपार्टमेंट द्वारा रखा गया है गोरखपुर में, और हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत पोस्ट ऑफिस में झंडे की भी बिक्री की जा रही है। हम लोग का प्रयास है हर गांव-गांव तक झंडे को पहुंचाना। हमारे गांव-गांव में पोस्ट ऑफिसेज हैं, जितने पोस्ट ऑफिस हैं हम लोग वहां तक झंडा पहुंचवा दिए हैं। वहां भी हमारे स्टाफ लगे हुए हैं, सब लोग घर घर झंडे बिक्री का कार्य करेंगे। हम लोग का यही प्रयास रहेगा कि इस बार आज़ादी का अमृत महोत्सव की 75वीं गांठ पर हर घर झंडा पहुँचाने का कार्य करें। क्या संदेश लोगों से? यही संदेश है कि सब लोग आकर के पोस्ट ऑफिस से झंडे को खरीदें, खरीद करके अपने घर पे झंडे को लगाएं। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर हेडलाइन पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। वेटनरी कॉलेज बनाने के लिए 100 एकड़ जमीन तलाशने को लेकर मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। जल्द से जल्द जमीन तलाशने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। गुरुवार को पुलिस ऑफिस कार्यालय पुराने आरटीओ कार्यालय शिफ्ट होने के बाद शुक्रवार को कार्य हुआ प्रारंभ। एसपी सिटी ने पुलिस ऑफिस में आए फरियादियों की सुनी फरियाद। समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। छात्राओं और महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए शेरनी दस्ता और एंटी रोमियो स्क्वाड टीम को विलय करके बनाया गया है महिला सुरक्षा दल। एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने कहा, प्रत्येक महिला सुरक्षा टीम को स्कूटी, विजिटिंग कार्ड और दिए गए हैं सीओजी मोबाइल नंबर। छात्राओं और महिलाओं को जागरूक कर रही हैं टीमें, ताकि आपात स्थिति में पुलिसकर्मियों से आसानी से संपर्क कर सकती हैं छात्राएं और महिलाएं। हर घर तिरंगा फहराने के जागरूकता के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में हैंडपंपों की तिरंगा कलर से की गई है रंगाई। ब्लॉकों पर तिरंगा के साथ किया जा रहा है फोटो सेशन। निकाली जा रही है प्रभात फेरी। तिरंगा का किया जा रहा वितरण। डीपीआरओ ने कहा, 11 अगस्त से 17 अगस्त तक घरों पर जरूर फहराए तिरंगा। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह एवं आरटीओ अनिता सिंह के संयुक्त नेतृत्व में चलाया गया सघन वाहन चेकिंग अभियान। बिना नंबर के वाहन पर चल रहे पुलिसकर्मी का एसपी ट्रैफिक ने किया ऑन स्पॉट चालान। 42 डीजल चालित काले ऑटो रिक्शा व बिना नंबर प्लेट के 70 वाहनों का भी किया गया चालान। कहा, वाहन चेकिंग के साथ लोगों को किया गया जागरूक। ग्यारह अगस्त से 17 अगस्त तक अपने अपने घरों पर जनपद के सभी नागरिक फहराएं तिरंगा। जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने की अपील। अवैध देशी तमंचा व जिंदा कारतूस के साथ एक अभियुक्त राजू निषाद को बांसगांव थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। हिरोशिमा दिवस की पूर्व संध्या पर दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में संगोष्ठी का किया गया आयोजन। परमाणु बम से हुए जापान के शहर के नुकसान पर हुई चर्चा। और
हर घर तिरंगा अभियान के तहत डाक विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने निकाली तिरंगा यात्रा पर बात फेरी। कहा, डाक विभाग के कर्मचारी हर गांव के घरों पर झंडा लगाने का करेंगे कार्य। अब मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।